अभी हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी बनाने की घोषणा की है। ये एजेंसी क्या है, कैसे इसका गठन होगा, कैसे ये काम करेगी और इससे हमारे युवा साथियों को किस तरह की सहायता मिलेगी, किस तरह से उनको लाभ होगा, इस बारे में विस्तार से जानने के लिए आइए बात करते हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से। डॉक्टर दिनेश शर्मा हिंदी के विद्वान हैं और ओजस्वी वक्ता तो हैं ही, नौसेना और बैंक में नौकरी भी कर चुके हैं और संप्रति सीएजी में वरिष्ठ लेखाकार हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं का एक लंबा अनुभव है। इस समय वो फोन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर शर्मा, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। डॉक्टर शर्मा, जो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना की बात की गई है, तो ये एजेंसी क्या है और क्यों इसकी गठन की आवश्यकता पड़ी? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी इसकी कैबिनेट के एक निर्णय द्वारा स्थापना कर दी गई है और जैसा कि कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मामलों के राज्य मंत्री माननीय जितेंद्र सिंह जी ने बताया है कि यह एजेंसी केंद्र सरकार की सेवाओं में आने वाले इच्छुक युवाओं के लिए परीक्षाओं का आयोजन करेगी। इसको लेकर के युवाओं में थोड़ी सी असमंजस की स्थिति भी है कि चूंकि पहले से बहुत सारी एजेंसियां ऐसी केंद्र सरकार की सेवाओं के लिए पहले से ही काम कर रही हैं, तो क्या ये उनको रिप्लेस करेगी या उनकी मदद करेगी, इस तरह को लेकर के कुछ सवाल युवाओं के बीच में है। तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के नाम से जो एजेंसी बनाई जा रही है, जिसका गठन किया जा रहा है, ये एजेंसी किसी प्रकार की परीक्षाओं को रिप्लेस नहीं करेगी, बल्कि उनकी प्रिलिमिनरी परीक्षा यानी कि प्रारंभिक परीक्षा या स्क्रीनिंग जैसी जो प्रक्रिया परीक्षाओं से पूर्व होती है उसका काम करेगी, जिसके लिए ये सीईटी नाम की एक परीक्षा को आयोजित करेगी, जिससे अनेकों सरकारी विभागों में और पीएसयूज में, उनको भी इसमें समाहित किया गया है, भारत सरकार के पीएसयूज में नौकरी पाने के इच्छुक युवाओं को संबंधित एजेंसी के पास परीक्षा देने जाने से पूर्व एक प्राथमिक फेज से होकर के गुजरना पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें सीईटी की परीक्षा और उसका स्कोर कार्ड उनके काम आएगा। बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ती थी पहले, शायद उससे छुट्टी मिल जाएगी? जी, बहुत सारी परीक्षाओं का किसी भी एजेंसी ने अपनी परीक्षा में सबसे पहले जो प्रथम चरण रखती है वो स्क्रीनिंग का होता है। होता कुछ ऐसा है कि एक आंकड़े के अनुसार तकरीबन केंद्र सरकार की नौकरियों में एक वर्ष भर में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग परीक्षाएं होने के कारण 3 करोड़ युवा आवेदन करते हैं। 3 करोड़ युवाओं में से चूंकि 1 लाख ही वैकेंसीज होती हैं, उनको भरने के लिए प्रथम चरण में ही 2 या 2.5 लाख या 3 लाख युवाओं को रखा जाता है और शेष को प्रथम चरण से बाहर कर दिया जाता है। ये प्रथम चरण से बाहर करने की प्रक्रिया मल्टीपल एजेंसी अपने अपने स्तर पर करती थी, जिसको अब कंबाइंड या कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का नाम देकर के एक साथ कराने का निर्णय लिया गया है। आपने बताया कि ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट अब होगा, ये एजेंसी कराएगी, तो ये क्या चीज है और कैसे ये होगी? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो खाका तैयार किया गया है उसके अनुसार जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, जिसमें भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी उसको हेड करेंगे, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी वर्ष में 2 बार देश के 1000 स्थानों पर अलग अलग 3 परीक्षाएं आयोजित कराएगी, जिसमें से पहली ग्रेजुएट स्तर की होगी, दूसरी 12वीं के स्तर की होगी और तीसरी 10वीं के स्तर की होगी। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से होने वाली इस परीक्षा में दूर दराज के क्षेत्रों के युवाओं को भी परीक्षा में बैठने का मौका इसलिए मिलेगा क्योंकि इसके केंद्रों की स्थापना देश के हर जिले में की जाएगी। जैसा कि अब तक हम देख रहे थे, उत्तराखंड की दृष्टि से देखें तो केंद्र की एजेंसी एसएससी जैसी एजेंसी जब उत्तराखंड में परीक्षाएं लेने आती हैं तो एक केंद्र उसका देहरादून में बनता है और दूसरा हल्द्वानी में या नैनीताल में बनाया जाता है, जबकि हमारे पास 13 जिले हैं और उन 13 जिलों से उतर करके आने वाले व्यक्ति को इन 2 मैदानी जिलों में आके ही परीक्षा देनी होती थी। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के जो सेंटर्स बनाए जाएंगे वो चूंकि 1000 या 1000 से अधिक सेंटर पूरे देश भर में बनाए जा रहे हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, महिलाओं को या जिन लोगों को ट्रेवल करने में दिक्कत होती है और इस कारण से वो परीक्षाएं नहीं दे पाते हैं या परीक्षाओं के लिए आवेदन नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के लिए बड़ी सरलता रहेगी। अब बात करते हैं सीईटी का स्वरूप कैसा होगा। सीईटी बेसिकली विभिन्न एजेंसियों द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के जो प्रारंभिक स्तर का या जिसे टियर 1 कह सकते हैं या स्क्रीनिंग टेस्ट कह सकते हैं, उसके आधार पर इसको बनाया जाएगा, लेकिन इस टेस्ट को ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा, ये इसकी एक खूबसूरती। इससे सीईटी में बैठने वाले अभ्यर्थी को सीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद एक स्कोर कार्ड मिलेगा। स्कोर कार्ड, मान लेते हैं कि 100 नंबर की परीक्षा में उस
अभ्यर्थी को 60 या 65 अंक का स्कोर कार्ड मिल गया। 65 अंक का स्कोर कार्ड लेने के बाद अब वो व्यक्ति भारत सरकार के अधीन सेवाओं में विभिन्न एजेंसियों द्वारा निकाले जाने वाली भर्तियों में आवेदन करने हेतु पात्र हो गया है, लेकिन उस अभ्यर्थी को उन्हीं एजेंसियों में आवेदन करना होगा जिन एजेंसियों ने उसके प्राप्तांकों के अनुसार से कट ऑफ निर्धारित की है। अगर SSC द्वारा दिए गए किसी विज्ञापन में CET के स्कोर 60 से ऊपर पाने वाले अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया है तो वो सीधे SSC के Tier 2 में यानी कि SSC की मुख्य परीक्षा में जाकर के सम्मिलित हो सकता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के स्कोर कार्ड के आधार पर। एक बात और यहाँ सरकार ने युवाओं के लिए की है, CET का स्कोर कार्ड एक बार प्राप्त हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी उस परीक्षा को 6 महीने बाद पुनः उस परीक्षा में सम्मिलित होकर के अपने स्कोर को बढ़ा सकता है ताकि वो अधिक से अधिक अवसर आगे प्राप्त कर सके। एक बार CET का प्रमाण पत्र मिल जाने के बाद उसकी वैधता 3 वर्षों तक होगी। 3 वर्षों की वैधता का मतलब है कि अगले 3 वर्षों में विभिन्न एजेंसियों द्वारा निकाले जा रहे विज्ञापनों के सापेक्ष वो व्यक्ति सीधा आवेदन कर सकता है। ये ग्रुप ए तक की सभी नौकरियों के लिए होगा या कुछ खास नौकरियों के लिए होगा? श्रोताओं की जानकारी के लिए मैं बता देना चाहूंगा कि ग्रुप डी जो पहले की व्यवस्था थी जिसको समूह घ कहा जाता था, केंद्र सरकार ने उसको काफी पहले ग्रुप सी में मर्ज कर दिया है और अब केंद्रीय सेवाओं में सिर्फ 3 ही ग्रुप होते हैं, A, B और C। ये जो CET की परीक्षा या NRA का गठन किया गया है ये ग्रुप बी और ग्रुप सी की भर्तियों को लेकर के किया गया है। इसके अंतर्गत प्रारंभिक फेज में जैसा कि DOPT के सचिव ने जानकारी दी है, प्राथमिक फेज में 3 रिक्रूटमेंट एजेंसियों, पहली रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, दूसरी IBPS और तीसरी SSC, इन 3 रिक्रूटमेंट एजेंसियों द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए वर्ष 2021 में CET से इनकी प्रारंभिक परीक्षाओं को रिप्लेस कर दिया जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार के अधीन विभिन्न सेवाओं में नौकरी प्राप्त करने के लिए युवाओं को भर्ती करने वाली 20 से अधिक एजेंसियां इस समय कार्यरत हैं। सरकार की योजना है कि आने वाले समय में इन 3 एजेंसियों के बाद उन शेष बची हुई 17 या उससे अधिक एजेंसियों को भी इसी एक अम्ब्रेला के नीचे लाया जाएगा और इसी CET के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही अन्य एजेंसियों द्वारा ली गई परीक्षाओं में मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाएगा। फिलहाल वर्ष 2021 में जो आयोजित किया जाने वाला इसका प्रारंभिक फेज है, उस फेज में RRB, IBPS और SSC के लिए प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन NRA द्वारा CET के नाम से कराया जाएगा। डॉक्टर शर्मा, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी जब परीक्षा होती है इस तरह की, तो उसके जो माध्यम की बात आती है वो बहुत जरूरी है, तो ये जो परीक्षा होगी ये किस माध्यम से होगा? माध्यम को लेकर के इस योजना में या नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन में या CET के आयोजन में एड्रेस किया गया है इस प्रश्न को। भारत विविधताओं से भरा देश है और हिंदी अंग्रेजी के अलावा विभिन्न स्थानों पर मातृभाषा में भी पढ़ाई होती है। इससे क्या होता है कि केंद्र सरकार के अधीन सेवाओं में आने के इच्छुक युवाओं को जो परीक्षा अब तक देनी पड़ती थी, चाहे वो प्रिलिमिनरी परीक्षा ही क्यों ना हो या Tier 1 की प्रारंभिक परीक्षा हो, उस परीक्षा का माध्यम भी द्विभाषी होता था, सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी में ही उस परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर मिलता था। CET की ये एक और विशेषता है कि CET को भारत की 12 भाषाओं में आयोजित किया जाएगा। 12 भाषाओं में आयोजित होने से दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे युवा जिन्होंने पढ़ाई अपनी मातृभाषा में की है लेकिन उनके अंदर योग्यता है, काबिलियत है, वो आने वाले समय में अच्छा काम कर सकते हैं, उन लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा और वो इस CET की परीक्षा में अपनी मातृभाषा में जिन 12 भाषाओं को इसने परीक्षा के माध्यम के रूप में चुना है उनमें से किसी भी भाषा में इस प्रारंभिक परीक्षा में बैठ सकते हैं। जो नई शिक्षा नीति है उसमें भी इस बात पर जोर दिया गया है कि अगर प्रारंभिक शिक्षा 5वीं तक अगर संभावना है तो वो मातृभाषा में ही की जाए। ये बिल्कुल, सरकार नई शिक्षा नीति लेकर के आई है, उसमें मातृभाषा को लेकर के जोर दिया गया है और अब नई शिक्षा नीति के ठीक बाद, क्योंकि शिक्षा के बाद रोजगार दूसरा प्रश्न होता है, तो शिक्षा के बाद जब रोजगार की बात हुई है तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के माध्यम से विभिन्न भाषाओं
बंगाल में इस तरह की परीक्षा आयोजित करने का ये जो सरकार की योजना है, ये आने वाले समय में मातृभाषाओं को प्रेरित करने में और मातृभाषा में पढ़े हुए युवाओं को सरकारी सेवाओं में रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाली है। कोई भी नई व्यवस्था लागू होती है तो जो हमारे युवा साथी हैं उनके मन में थोड़ी सी आशंका रहती है, तो बताएं कि किस तरह से जो नई व्यवस्था है ये पुरानी व्यवस्था से भिन्न है और ये छात्रों के लिए किसी भी तरह से हानिकारक नहीं होगी बल्कि लाभदायक ही होगी। जिस प्रकार से माननीय मंत्री जी ने और सचिव महोदय द्वारा जानकारी दी गई है इस विषय को लेकर के, और जितना मैं उसे समझ पा रहा हूं, मुझे लगता है कि ये व्यवस्था युवाओं के हित में है और युवाओं को जो मल्टीपल प्रयास करने पड़ते थे अलग अलग स्टेशनों में, अगर आप व्यवहारिक दृष्टि से बात करें तो आपने स्वयं इस बात का अनुभव किया होगा कि सड़कों के किनारे रात रात भर गुजारने के बाद अगले दिन सुबह परीक्षा देने के लिए परीक्षार्थी एक परीक्षा केंद्र में पहुंचता है और ऐसी करीब 20-25 प्रारंभिक परीक्षाएं वो अपने एक वर्ष के उस संघर्ष के दौरान देता है। इन 20 परीक्षाओं को देने के दौरान इन परीक्षाओं की तिथियां भी आपस में क्लैश करती हैं, जिससे कोई परीक्षा उसकी छूट जाती है। इन सभी परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा एक ही स्थान पर हो जाने से जो भीड़ है उसकी छंटनी करने में और उनमें से योग्य लोगों को मुख्य परीक्षा के लिए ले जाने में न केवल युवाओं के लिए सहूलियत होगी बल्कि एजेंसियों के लिए भी एक बहुत ही कारगर माध्यम साबित होगा। एक युवा विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन करता है, आवेदन के दौरान 500, 600 या 700 रुपए लगभग उसको आवेदन शुल्क के रूप में चुकाने पड़ते हैं, और ऐसा यदि वो इन 10 एजेंसियों द्वारा 12 एजेंसियों द्वारा कराई जाने वाली मल्टीपल 12 या 14 परीक्षाओं के लिए देता है तो एक वर्ष भर में 10 से 15 हजार रुपया उसका सिर्फ और सिर्फ आवेदन शुल्क के रूप में खर्च हो जाता है, जबकि परीक्षा में उत्तीर्ण होना 1, 2 या 3 ही परीक्षाओं में उसके उत्तीर्ण होने की संभावनाएं होती हैं जैसा कि डाटा बताता है। लेकिन उस परीक्षा को देने जाने के दौरान अपने शहर से बाहर परीक्षा आयोजित होने के कारण जाने का खर्च, आने का खर्च, बोर्डिंग, लॉजिंग और यातायात का खर्च, ये सब खर्च मिला करके उसकी रुचि सरकारी सेवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं से पहले या दूसरे वर्ष में भंग होने लगती है, क्योंकि ये एक खर्चीली व्यवस्था है। नई व्यवस्था के आ जाने से यदि वर्ष भर में एक बार और आपके अपने शहर में आपको एक परीक्षा देने से मल्टीपल परीक्षाओं की मुख्य परीक्षाओं में बैठने का मौका मिलता है तो युवाओं के लिए बहुत कारगर साबित होने वाला है। युवाओं को फोकस्ड होकर के अध्ययन करना होगा और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के सब्स्टिट्यूट के रूप में जो सीईटी लाया गया है इससे उन्हें सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि एक सीईटी निकालने के बाद वो अपने स्तर का, यदि उन्होंने 10th लेवल का सीईटी निकाला है तो 10th लेवल की जितनी भी वैकेंसीज अलग अलग एजेंसीज में आ रही है उन सबके टीयर 2 में डायरेक्ट एंट्री कर पाएंगे। ये अपने आप में एक मौके से कम नहीं है। डॉक्टर शर्मा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने जिस तरह से विस्तार से इस नई भर्ती प्रक्रिया और नई एजेंसी के बारे में बताया, हमारे युवा श्रोता इसको जरूर से समझ रहे होंगे और उन्हें समझ में आया होगा कि ये एक बहुत बेहतरीन प्रक्रिया होने जा रही है। आप रेडियो से जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।